अच्छा मैं रुक सकता हूँ यहाँ पे आपके साथ? मैं कोई नहीं है ना गाँव में। एक और भाई बैठे गाँव के, मतलब है ना, इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है। ये देखिए, मतलब सोचे कोई मीडिया वाले हैं, तो सीधा से यहाँ से मतलब थोड़ा सा उठ के मतलब तो इस गांव में और उस गांव में क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको पूरा बताएंगे कैमरे की नज़र से। बराबर, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। और वॉइस जो है, मैंने कहा मास्क पहना हुआ है, तो बीच में हमारे को लोग मिलते रहेंगे, उनसे भी हम पूछते रहेंगे कि भी क्या है, कैसे हो, क्या नाम है आपका? प्रभु भाई है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है प्रभु भाई, कैसे तबीयत पानी वगैरह है ना? तो ये देखिए, ये पानी लेके आ रहे हो, पानी भर के आ रहे हो? नहीं। तो लेने जा रहे हो? अच्छा, लेने जा रहे हो। इधर इधर आइए ना एक मिनट, थोड़ा है ना। तो वो पानी मतलब भर के नहीं आए, पानी लेने जा रहे हैं एक्चुअली सुबह सुबह। तो जब मैं राजस्थान में आज से मतलब हम लोग छोटे थे, मतलब राजस्थान बाड़मेर में, मतलब मेरी मम्मी वगैरह सुबह में पीना, जो हमारे वहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाते थे मम्मी वगैरह। तो ये जो मैंने सीन देखा अभी तो याद आ गया, मतलब क्योंकि हमारे गांव में बाड़मेर में मीठा पानी, मतलब जो नल में पानी आता वो खारा पानी होता था, और ये जो मीठा पानी लेने के लिए 1-1 किलोमीटर दूर गाँव के लोग कितना मेहनत करते हैं। और शहर के लोग तो क्या है कि अभी देखो आर ओ लगा दिया, वो लगा दिया, 3-3 लाख की कैंगन की मशीन लगा दी, लेकिन नेचुरल पानी जो ये अभी लेने जा रहे हैं हेडपम्प से, कुएं से भरेंगे, देखिए। तो ये देखिए, ये आगे एक बार फिर से बोलाओ, तो देखिए मतलब बहुत ही अच्छा बोला है ना। तो इनसे हम पूछेंगे मतलब कि भी सही से है ना। तो आपका आइए आइए, तो थोड़ा शर्मा रहे हैं, कोई नहीं, आपको पूछी में नहीं, चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाइए कैमरे के सामने एक बार है। बराबर, तो अभी आप मतलब पानी लेने जा रहे हो है ना, कितना दूर जाओगे यहाँ? 2 किलोमीटर मतलब मारवाड़ी, आप मारवाड़ी हो? राजस्थान का ऐसा बताए ना। तो 2 किलोमीटर पानी लेने जाओ आप, आ रहा आप मतलब हेडपम्प या कुएं? हेडपम्प है ना। और आपकी तबीयत वगैरह कैसी है? ठीक है भाई, तबीयत वगैरह थोड़ा सरवा रहे हैं कैमरे के सामने, बट इस वक्त से यही कामना है कि बट गांव के लोग काफ़ी खूबसूरत होते हैं और काफ़ी प्यारे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, मेन चीज़ ये। पुरानी फिल्मों में मैंने देखा, हीना फिल्म है जैसे, उसमें ऋषि कपूर सर आते हैं गांव में है ना, तो बट ये मुझे भी आज ऐसा लग रहा है कि मैं ऋषि कपूर बन के आया हूँ, मतलब ऐसा होता है ना। तो थोड़ी देर और ठहरा तो मुझे भी यहाँ पे मतलब रहने का दिल हो जाएगा। अच्छा मैं रुक सकता हूँ यहाँ पे आपके साथ? मैं कोई नहीं है ना गाँव में, कभी मौका मिला तो मैं आपका ये इसी गाँव में रहते हो ना, कभी मौका मिले तो मैं आऊँगा, चलो भगवान से यही कहना आप लोग स्वस्थ रहो है ना, अच्छे रहो, ठीक है ना, चलो है ना, चलो है ना। अभी जिनका हमने इंटरव्यू, जिनसे हमने मुलाकात की थी पानी लेने जा रहे थे, तो उन्होंने इशारा किया, तो हम वापस मुड़ के देखते हैं क्या। हाँ अच्छा अच्छा, माइक गिर गया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, वायर लटक रहा था। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों मेरा जो माइक है ये लटक रहा था, मतलब नीचे गिर गया था, उसके लिए इन्होंने मेरे को आवाज़ दी, देखिए एक बार है ना। तो आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने मतलब बुलाया उसके लिए है ना, ठीक है, चलो ओके, जय माता जी है ना, ठीक है बेटा। तो वो देखिए, वो जो पानी लेने के लिए आप देख रहे हो, अब रिटर्न आया तो वो भी सीन दिखा दे रहा हूँ, पानी लेने के लिए देखो कितना दूर जा रहे हैं, अभी 1/2 किलोमीटर समथिंग जाएंगे। तो सोचिए गाँव के लोग कितनी मेहनत करते हैं है ना, इतनी मेहनत, अगर शहर के लोग भी अगर हार्ड वर्क करें ऐसा तो उनको कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, बट शहर के लोग क्या आलसी लोग हैं ज़्यादातर, बस बैठे बैठे चाहिए उनको सब कुछ। इस तरह गांव के लोगों को सीखो, मतलब एक मैसेज है ये, मतलब कि गांव की लाइफ की तरह मतलब शहर में भी है ना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, सुरपगले गांव की ओर। तो सुरपगले गांव की क्या है विशेषता, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है, उनके जीवन के अंदर क्या महत्वपूर्ण होता है, वो सब हम आपको कैमरे की नज़र से आज बताएंगे। और मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट जेके मथुरिया, और आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, बहुत ही ब्यूटी मतलब गांव का जो सीन देखने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और रियली दोस्तों गांव की ब्यूटी की बात ही कुछ और होती है भाई साहब। ये देखिए एक और मतलब यहाँ पे पानी लेके लगभग आ चुके हैं, या फिर पानी लेके आगे आप अभी जाओगे, लेके आगे पानी, तो ये पानी लेके आ चुके हैं गाँव से। बराबर, आगे सीन में आपने देखा था वो पानी लेने जा रहे थे, और ये जो गुड़िया थी ये पानी लेके आ चुकी है। तो और कुछ गांव के मकान भी आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे में, देखिए इस तरह के गांव होते यहाँ पे मकान होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए उसकी जो 4 दीवारी होती है वो कुछ इस तरह से की हुई होती है। एक और भाई बैठे गाँव के, मतलब है ना, इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है,
ये देखिए, मतलब सोचे कोई मीडिया वाले हैं तो सीधा से यहाँ से मतलब थोड़ा सा उठ के मतलब तो भागे। कोई नहीं, ये जो खड़े हैं भाई साहब, इनसे पूछ के आपका नाम क्या है? आपका नाम यही गाँव में बरबर क्या करते हो आप? मतलब तबीयत पानी वगैरह कैसी आपकी? कोरोना वोरोना डर नहीं ना? बिल्कुल। तो गांव में दोस्तों कोरोना का कोई डर नहीं है, जो है शहरों में ही है। गांव के लोग देखिए कैसे मस्त जी रहे हैं अपना जीवन। और ये है लगभग जय महालक्ष्मी ढाबा, ढाबा है ना ये। यहाँ पे आपको पंजाबी थाली, चाय, नाश्ता, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है ना, है ना? तो वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है और बहुत ही अच्छी लाइफ है यहाँ पे। सुर पगला कितना है अभी यहाँ से? तीन या छः किलो है ना। तो अभी हम आगे सुर पगला जा रहे हैं, 3-4 किलोमीटर होगा समथिंग। तो सुर पगला की विजिट करते हैं और सामने पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, देखिए जरा कैमरे की नज़र से। और ये एक हेडपम्प था यहाँ का जिसका पानी मीठा होता है। और सामने जो पहाड़ी दृश्य नज़र आ रहा है यहाँ से 3 किलो लगभग, वो पहाड़ के पीछे जो गाँव है उसका नाम है सुर पगला। तो हम सुर पगला गाँव पर विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं सुर पगला। चलिए बढ़ते हैं सुर पगला की। और दोस्तों वीडियो को इसके बिल्कुल ना करना और वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस बार ये वीडियो भाई का आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब कर लेना भाई यार, आप लोग है ना मेरा, मैंने एक चीज़ देखी, मेरा जो चैनल है मैंने देखा आप लोग सब वीडियो देखते हो, मैं आपको लिंक भेजता हूँ वीडियो का तो आप देखते हो, बाकी आप सब्सक्राइब नहीं करो। दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको मेरा वीडियो कभी मैं आपको शेयर नहीं करूँ, लिस्ट व्हाट्सएप पे लिंक नहीं भेजूँ, तो भी आप जैसे यूट्यूब खोलोगे तो आपको वो वीडियो वहाँ दिखाई देगा। तो प्लीज़ भाई साहब, भाइयों और बहनों, मोदी जी वाली भाषा बोलनी पड़ रही है कोरोना काल के अंदर, भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, दोस्तों और दोस्तनियों, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, प्लीज़ आप लोग सब मिलके हमारे चैनल को जीतू मथुरिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे अभी गांव है, फिर मैं फॉरेन जाऊंगा, विदेश की भी सीन सुनहरी दिखाऊंगा, अभी गांव का मजा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी वफा के तू काबिल नहीं था। तो दोस्तों गांव में आगे बढ़ते हुए जस्ट अभी मैंने ये पहाड़ पूरा क्रॉस किया और सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है, श्री सुंदर वाटिका आश्रम। तो ये देखिए हमारे को देखते हुए ये भाई साहब थोड़ा थोड़ा कैमरे के सामने, मतलब देखिए मेरा रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझ चाहूँगा, देखिए कोई भूल चुक हो तो उसके लिए समझ चाहूँगा, प्लीज़ आप मुझे हैरान ना करें। और पास में कोई बिस्किट की दुकान नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा इनको देखता हूँ कुछ आसपास में हो तो। ये दूसरे भाई साहब आ गए वाइट कलर वाले, देखिए। हेलो भैया, कैसे हो आप? प्लीज़ आप साइड में आ जाइए क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है रोड पर। तो कोई नहीं। और ये मंदिर श्री रामदेव जी, यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है। और ये दोनों भाई साहब जो अभी मैंने आपको बताया कैमरा में, दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं। और ये मैं आपको थोड़ा मंदिर का भी दर्शन करवा देता हूँ भैया। ये देखिए ये है श्री रामदेव जी मंदिर दोस्तों। और प्लीज़ कमेंट में जय श्री रामदेव, बाबा रामदेव जी का जयकारा ज़रूर लगाएं। जय श्री राम प्रभु। मैं गाड़ी को साइड में रोक के एक बार आपको अच्छे से दर्शन भी करवा देता हूँ और मैं भी दर्शन कर लेता हूँ और अच्छे से आपको व्यूज़ दिखाता हूँ मैं कैमरे को अच्छे से सेट करके, ताकि आपको भी दर्शन का लाभ मिले।